सुप्रभात मान्यवर, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है। मुझे बुलाया जा रहा है नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है जी हमारा खाना। Qu'est-ce que c'est subscript? Короче, я не знаю. It's another language. Это французский? Yes, это французский. He study французский. Я учил французский. School. Yes. Okay. Я говорю, очень хороший язык. Мне очень нравился он в школе. Soon, Russian school will study China. China language. How was your night? It was good. Thank you. Okay, welcome. Not cold? No, not cold. सरगी भाई, दरअसल जो रशिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है, ये जो आपको पाइप लटके हुए नज़र आते हैं, यहाँ पे पूरे रशिया में गैस की सप्लाई होती है, तो वहाँ पे काम करते हैं। टुंड्रा में इनका कहीं ऑफिस है, बिल्कुल एकदम नॉर्थ में। वहाँ पे बहुत ठंड होती है। वहाँ इतनी ठंड होती है कि इन लोगों को सिर्फ 1 महीने काम करने की इजाज़त है, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी, फिर 1 महीने करते हैं, फिर छुट्टी, फिर ऐसे करके, ताकि ये इनकी जो बॉडी है ये बाहर के एटमॉस्फेयर के लिए भी थोड़ा सा जो है सेफ रहे। तो 1 महीने ये जाते हैं और 1 महीने इनकी छुट्टी रहती है। तो ये बता रहे हैं कि जो गैस पाइपलाइन है, पहले इन्होंने पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे कैसे गैस डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो मैंने बताया कि जो शहर हैं वहाँ पे पाइप से जाती है और जो गांव है वहाँ पे बॉटल्स जाती हैं। हमारे यहाँ पे जो सिलेंडर होता है। तो ये कहते हैं कि पूरे रशिया में गैस, कितनी भी दूर गांव हो, वहाँ के लिए गैस पाइप्स हैं। वो खैर सब लोग जानते हैं, लेकिन ये हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात ये है कि ये साइबेरिया से आती है गैस, एकदम नॉर्थ से, और पाइप से कनेक्टेड है पूरे गाँव में, पूरे रशिया में, यूक्रेन में, और ये सप्लाई करते हैं यूरोप के लिए। जो यूरोप है वो पूरा इनकी गैस के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी वजह से जो है ये इनके थोड़ा सा यूरोप के साथ में अगर कड़वे रिश्ते रहते भी हैं, लेकिन फिर भी बिज़नेस पर्पस पे वो इनके बिना नहीं रह सकते, और ये उनको गैस बेचते हैं। Слушай. Это французский? Yes. Слышишь? Qu'est-ce que c'est? Ну, он транскрипция. Читай. Qu'est-ce que c'est? Французы जानते हैं ये. Qu'est-ce que c'est? Вот, смотри, ты это уже понимаешь, наверное. What is it? Qu'est-ce que c'est? What is it? Yeah, what is it? Qu'est-ce que c'est? Чтобы знал. Qu'est-ce que c'est? India? Английский? Хиндийский? India has so many languages. एक मिनट रुक जाओ. Какой? Английский. Английский, вот английский, стоял английский. Вот. Окей. Вот русский и английский. Вот английский, да. Кроме русского. Россия. How many languages are there in Russia? Где-то от 277 до 295. Вот, приблизительно. 277 языков. Башай. Смотри, сейчас еще. यहाँ पे भी भाई रशियन सिर्फ मेन लैंग्वेज है, बाकी छोटे छोटे रीजन की अलग अलग 277 लैंग्वेजेज हैं। Вот это 195 народностей. Сейчас тебе скажу. В России 195 народностей. которые используют от 275 до... Не читаю. 195 национальностей. Да. Национальность. 195 देशों के लोग रहते हैं रशिया में। एक बात बताता हूँ आपको, देखिए रशिया थोड़ा सा समझने में कितना बड़ा है, थोड़ा सा समझते हैं। सर्गी भाई काम पे जाते हैं, यहाँ से जाते हैं मॉस्को, मॉस्को, and it takes 7 hours to reach Moscow from here. 7 hours go Moscow train. Yes. Then how much time in flight? About 4 hour flight. 3.5. 3.5 okay. Yes. यहाँ से 7 घंटे की पहले ट्रेन है, फिर पहुँचेंगे मॉस्को। वहाँ से 4 घंटे की लगभग फ्लाइट है, फिर एक जगह और पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे फ़्लाइट नहीं जाती है क्योंकि वो पूरा एकदम खाली एरिया है, टुंड्रा में कहीं। और वहाँ से आगे उनकी बस, एंड बस टेक 6 hours. Yes. Six hours. Russian is a big country. Okay. Yes, big country. वहाँ से 6 घंटे इनको बस में जाएंगे। अब आप सोचिए, पहले ये ट्रेन से सफ़र करेंगे 7 घंटे, फिर ये फ़्लाइट से सफ़र करेंगे 4 घंटे, और उसके बाद फिर 6 घंटे लगेंगे इनको एयरपोर्ट से अपने काम पे पहुंचने में। सोचिए कितनी बड़ी कंट्री है ये। क्योंकि ये वॉर जोन है अभी, वैसे ये कई बार ट्रेन से जाते हैं, कई बार यहाँ से मॉस्को के लिए फ़्लाइट से जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अभी एयरपोर्ट बंद है वॉर की वजह से। ये जो रीजन एक्चुअली बेलगोरोड, यहाँ पे फ़्लाइट नहीं है, तो यहाँ सिर्फ ट्रेन से जा सकते हैं। तो कितना दूर सोचिए आदमी काम करने जाता है, और 1 महीना ही फिर ये वहाँ रहते हैं, और फिर 1 महीने की इनकी छुट्टी रहती है, यानी कि अभी नेक्स्ट मंथ ये जाएंगे तो फिर 1 महीना काम करेंगे पूरा 30 दिन, और 30 दिन के बाद इनकी छुट्टी हो जाएगी 1 महीने की, फिर वापस आ जाएंगे घर, फिर 1 महीने बाद जाएंगे, यानी कि ये 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने इनकी छुट्टी रहती है पूरे साल में। इनके घर की एक और बात बताता हूँ, कल इन्होंने जो वो हीटिंग सिस्टम ऑन किया था, तो आज जो घर है ये काफ़ी गर्म है। इनकी जो टाइल्स है नीचे, आप देखिए बाहर बहुत ठंडा है क्योंकि आप जानते हैं रशिया बहुत ठंडा है, आपने T-shirt पहनी हुई है, और नीचे जो फ्लोर है ये पूरा गर्म है, मतलब फ्लोर पे अगर आप लेट जाओ नीचे तो ये आपको गर्मी महसूस होगी, यानी कि जो फ्लोर है पूरा नीचे से, इसमें पूरे में पाइपिंग हो रखी है और इसमें पूरे में हीटिंग सिस्टम है, और जो घर है वो भी हीटेड रहता है। मुझे लगता है कि ये हम लोगों को भी करना चाहिए, ख़ास करके हिमाचल प्रदेश या जैसे उत्तराखंड, कश्मीर या जो भी ठंडे इलाके हैं वहाँ पे ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और हमारे यहाँ पे हम अभी भी वो ट्रेडिशनली चूल्हों के भरोसे चलते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका जो वो सिस्टम है वो चलता है गैस से। पर मैंने इनसे पूछा कि क्या ये बिजली से चल सकता है, इन्होंने कहा कि हाँ, एक बिजली से भी आता है चलाने वाला, पर दिक्कत ये है कि अब ये देखना होगा कि बिजली से चल तो जाएगा लेकिन वो बिजली कितनी खर्च करेगा। इसके बारे में मैं कुछ सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि पूरे घर को हीटेड कैसे किया जाए, और इसको मैं अप्लाई करूंगा अपने घर में शिमला में। देखते हैं, अगर मैं सक्सेसफुल हो पाया तो शायद मैं लोगों को भी ये सुझाव दे सकूँ। इसको मैं बनाऊँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में सोचता हूँ। मेरी ये नेचर को देखने की ज़िद इनकी गाड़ी तोड़ देगी। देखिए हम कैसे रास्ते पे चल रहे हैं। ये दरअसल यहाँ पे एक नदी है, और जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कहते हैं तैरने आते हैं, और ये मुझे नदी के पास में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे गाय चल रही है, रशियन गौ माता। смотреть, это мама не туда поехала. Речку сейчас посмотрим. Речку смотреть चाहिए. इस गाय में एक रस्सी बांधी हुई है बहुत लंबी सी और खूंटे में इसको बांधा हुआ है, लेकिन ये घूम सकती है. ये रस्सी काफ़ी लंबी है, लगभग 40-50 फुट होगी, यानी कि 40-50 फुट तक ये जा सकती है. फिर उसके बाद कहीं नहीं जा पाएगी, गोल गोल वहीं पे चलेगी. वी विल वॉक. हाँ ओके, आगे रोड ठीक नहीं है. Okay. Запах. Прям трава вкусная. Блин, Арин, ну а ты чё? Вау, как тут красиво. А, красиво? Туда, Радж, мы пойдем туда. Окей. चलो जी तूदा. ये है जी हाँ रूसी गांव के बिल्कुल एकदम ठेठ देहात में. अच्छा एक बात है, मेरे बराबर भी शायद ही कोई घुमक्कड़ है घूमा हो रूस में. मैं रूस में ऐसी ऐसी जगह घूम गया हूँ, बिल्कुल एकदम जंगल में घुस घुस के, गांव में घुस घुस के. लास्ट टाइम जब मैं 2021 में आया था तो एक जगह पे तो हम लोग ऐसी जगह लेके गए मुझे जिस गांव के लिए रोड ही नहीं था. हालांकि जो रूस है ये काफ़ी ज़्यादा आगे है और रोड वगैरह के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा आगे है, लेकिन वहाँ पे रोड होगा लगभग कोई मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर होगा शायद से, जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी. और उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर बाद जाके एक गाँव आया. मैंने वीडियो बनाया है, आप 2021 की लिस्ट में देख सकते हैं, बल्कि उसका टाइटल भी रखा हुआ है मैंने कि भाई ऐसा गांव जहाँ रोड ही नहीं है. तो मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऐसी जगह जाता हूँ, ऐसी जगह घूमता हूँ जो बिल्कुल एकदम अलग है. ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं पहुँच पाते ऐसी जगह पे. भारत के जो टूरिस्ट हैं या सेंट पीटर्सबर्ग जाएंगे या मॉस्को जाएंगे या और कोई बड़े शहर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी जगह पे घूमता हूँ, ख़ास करके अपने रूसी दोस्तों की वजह से जो ज़्यादातर भारतीय जो है नहीं देख पाते हैं, और आपको दिखा पाता हूँ. ये सब इन लोगों की वजह से है. ये देखो एक पंगे के लिए क्या करा हुआ है. हाँ यस. ये दरअसल क्या है, इसको पकड़ के दोनों साइड से ऐसे करके जाना है और जाके कूद जाना है. It's a small, but yes, water is cold. I don't want to get sick. It's okay. No. Ой, лягушка. Это. Here, car can drive. Car can go? Yes, no big car. I understand. I understand. ये कह रही हैं ज़्यादा गहरा नहीं है, आप जा सकते हो उधर. लेकिन भाई मैं ऐसे ठंड में कोई पंगा नहीं लेना चाहता कि मैं भीग जाऊं और मेरे जूते भीग जाएं. मतलब ही नहीं होता कि मैं इसमें जाऊं. दूर से देखने में अच्छा लग रहा है. What she says? What she says? What is it? हाँ ओके ओके ओके. बच्चों की अलग ही दुनिया है. दरअसल इस गांव में बहुत सारे इस तरह की जो है झीलें टाइप की हैं छोटी छोटी, और नदी है. ये पीछे से नदी है, हम जहां पे थे ये नदी का बाहरी पोर्शन है. दरअसल इसके अंदर एक और नदी है बड़ी सी, आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा होगा, वो काफ़ी बड़ी नदी है. तो वहाँ पे बल्कि बैठने के लिए भी जगह है. एक चीज़ अच्छी है रशिया में कि जो ग्रामीण हिस्सा है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप टेंट लगा दीजिए यहाँ पे अगर आपके पास है तो, खाना बनाइए, लोग एंजॉय करते हैं और आप यहाँ पे रुक सकते हैं. यहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, जो गांव है बहुत दूर है और वहाँ पीछे से जो मेन रोड है जहाँ से हम लोग इधर आए, और एक रेलवे ट्रैक था बीच में, ये जाता है दरअसल रेलवे ट्रैक यूक्रेन की तरफ। जो यूक्रेन का बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 17 किलोमीटर है सिर्फ। ये जो जगह है ये दरअसल अभी वॉर जोन कहलाता है। बेलगोरोड और वोरोनेज़ में फ़्लाइट्स बंद हैं, यहाँ के एयरपोर्ट्स बंद हैं, सिर्फ बसेस और ट्रेन चली हुई हैं, और स्कूल भी यहाँ पे बंद हैं वॉर की वजह से। बाकी जो दूसरे काम हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि लोगों की ज़िंदगी पे कोई ज़्यादा असर है नहीं वॉर का। तो लेकिन फिर भी सतर्क रहने को कहा जाता है यहाँ पे कि सतर्क रहिए। टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टूरिस्ट नहीं देखे हैं। मैं पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन टूरिस्ट यहाँ पे नहीं है। उसका कारण ये है कि मुझे, जब मैं कज़ान पे मेरा इमिग्रेशन हुआ था, तो वो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप बेलगोरोड क्यों जा रहे हो, बेलगोरोड क्यों जा रहे हो। तो मैंने बताया उसको कि भाई मेरे ऐसे ऐसे दोस्त रहते हैं। तो फिर उसने बोला कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकना मत। और मेरे जो दोनों दोस्त हैं वो रहते भी कम वक्त बेलगोरोड और वोरोनेज़ में, जो कि पास पास में है, यूक्रेन बॉर्डर से ज़्यादा दूर है नहीं। हालांकि जो वोरोनेज़ है वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि आप एक काम करना, ठीक है जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन रुकना मत यहाँ वहाँ पर। तो मैंने उस टाइम पे हाँ कर दिया, मैंने कहा ठीक है मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगा। यहाँ देखिए जो मैं बता रहा था अभी, लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग करी हुई है, ये देखिए सबूत छोड़े हुए हैं आलू के छिलके। नेचर में रहने की बात ही अलग है। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हर देश में आपको मिलेंगे जिनको घूमने का शौक़ है। अभी आपने देखा पीछे कि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने कैंपिंग की हुई है। मैं सजेशन दे रहा था आपको कि ऐसी जगह पे कैंपिंग कर सकते हैं, और वो दिख गई पीछे। तो बहुत सारे लोग आते हैं जो अलग अलग देशों से, कज़ाकिस्तान में और किर्गिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो है जाते हैं कैंपिंग के लिए। एकदम ट्रैकिंग करते हैं बहुत ऊपर ऊपर, और फिर अपने साथ में अपना खाना पीना सब साथ में लेके जाते हैं और एंजॉय करते हैं। नेचर के साथ में रहने की बात ही अलग है। ठीक है शहरों की लाइफ एक अलग है, लेकिन नेचर की बात ही कुछ अलग है।